गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछेंगे जिसको जो उसका उत्तर आता होगा वो आप आएगा, कोई भी समूह में उत्तर नहीं देना। तो बताइए हम लोग सब्जी जब बाजार जाते हैं तो सब्जी वाला सब्जी किस तरह देता है? तराजू से तोलता है। हाँ, पूरे वाक्य में सब्जी वाला सब्जी जो है तराजू से तौल के देता है। तेल को हम लोग किस में नापते हैं? तेल को हम लोग लीटर मापते हैं। सात बार बैठ जाइए, ये बताइए ऊंचाई और दूरी नापने की चीज को हम क्या कहते हैं? मीटर, मीटर में नापते हैं ऊंचाई। ऊंचाई और लंबाई के नापने को भी हम मापन कहते हैं। आज हम मापन के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। सब्जी वाला सब्जी तराजू से तौलता है। मापन किसे कहते हैं? मापन किसी भी चीज की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग मापन करते हैं। किसी भी नाप, किसी भी चीज की नाप को मापन कहते हैं। किसी भी चीज की नाप को मापन कहते हैं। कोई चीज हम नापते हैं तो उसे मापन कहते हैं। किसी भी चीज की मापन किसी भी चीज की जब हम लोग सही जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है। मापन की चार पद्धतियां हैं। मापन की चार कौन कौन सी? पहली एलकेएस पद्धति, दूसरी एफपीएस पद्धति, तीसरी सीजीएस और चौथी एसआई पद्धति। एमपीएस पद्धति जो होती है वो होती है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एफपीएस पद्धति जो होती है वो फुट, पाउंड, सेकंड। इसके अलावा सीजीएस पद्धति होती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और एसआई पद्धति जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। ठीक है, अब ये बताइए बच्चों कि किसी भी चीज की दूरी नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूरी किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में। पटरी से भी? हाँ, स्केल से हम लोग दूरियों को नापते हैं। किसी वस्तु की कितनी लंबाई है ये हमें पटरी बता देती है, या बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम लोग फीते का यूज कर लेते हैं, इंच टेप का यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूरी का जो मात्रक है वो होता है मीटर, फुट, मीटर फुट और सेंटीमीटर। ये दूरी की मात्रक होते हैं, डिस्टेंस या लेंथ, जिसे आप लोग दूरी या लंबाई। ठीक है, अच्छा बताइए विद्यालय में क्या देख के बच्चे को जाए? समय देख के, टाइम देख के। पूरे वक्त मतलब देखिए, विद्यालय में समय देख के जो है घंटी बजाई जाती है। शाबाश, बैठ जाइए। विद्यालय में समय देख के घंटी बजाई जाती है। समय को हम, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। एमपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसके अलावा समय का मात्रक घंटा, दिन, मिनट ये सब भी होते हैं। लेकिन जो
नापा जाता है। ठीक है, शाबाश। अच्छा ये बताइए बच्चों कि जब हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारा बुखार किस में नापते हैं, कैसे नापते हैं? डॉक्टर हमारा बुखार जो थर्मामीटर में से नापता है। बहुत शाबाश, डॉक्टर हमारा बुखार थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है, बहुत सही। ताप होता क्या है? देखिए, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की नाप को ताप कहते हैं। ठीक है, ताप को डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति थर्मामीटर या तापमापी यंत्र के द्वारा नापते हैं। ताप का जो मात्रक होता है, ताप का मात्रक जो होता है वो फारेनहाइट सेल्सियस और फारेनहाइट सेल्सियस के अलावा केल्विन, ये मात्रक ताप के होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में होता है। इसके अलावा 310 डिग्री केल्विन में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन में होता है। आठ समय का मात्रक सेकंड घंटा मिनट समय का मात्रक सेकंड और घंटा होता है। बताइए एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। बहुत बढ़िया, एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। शाबाश। ये बताइए बुखार कैसे नापा जाता है, ताप कैसे नापा जाता है? बुखार थर्मामीटर से नापा जाता है। सभी प्रकार के मापन की सूची बनाकर उनके मापन